मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे भाई। सुबह की मॉर्निंग भाई, उठ गए भाई, धूप आ चुकी है, आज मौसम खुला हुआ है बिल्कुल ही, और आज इतनी ठंड भी नहीं है। और भाई आज खाली आई एम फ्री, आज भाई घर के काम करने, दो चार जो घर के काम है। एक बारी भाई करनाल भी जाना है, थोड़ी शॉपिंग करके आनी है। और भाई लाइट वाइट रखी है अपनी सारी, इन्हें भाई सब कुछ संभाल के रखेंगे पेटियों में, जिनकी पेटियाँ हैं उनमें डाल लेंगे। और यहाँ रखी लाइटें इन्हें बिठा के रखेंगे भाई अपने गोदाम में, सारी चीज़ सही से करेंगे। आज फ्री है हम, फिर भाई नहा धो के दुकान पे जाऊँगा। फिलहाल अभी तो जाने वाला हूँ, पहले घर के सारे काम निपटा लूँ, उसके बाद ही जाऊँगा दुकान पर। इतना भाई चला गया दुकान पर, बाद में मैं चला जाऊँगा। फिलहाल भी नाश्ता नुश्ता करते हैं अपना, बढ़िया। कई दिन हो गए भाई घर का खाना नहीं खाया था, कल रात ही खाया घर का खाना। उस दिन रात काम पे चल रहे थे, अब हम वही खाना खाते थे ब्याह में, ब्याह का खाना खा खा के गला भी ख़राब हो गया आपके भाई का, तो इग्नोर करना भाई ये चीज़ तो। क्या बना है? परोठे? वाह जी वाह, आलू के परोठे खाते हैं भाई चाय के साथ। सब्जी भी बनाई है? ना सब्जी बनाई नहीं, काट के धर रखा, सब्जी बनाने का टाइम नहीं बेटा, बाद में बना लियो। कोड़ी कोड़ी है। आओ तो क्या कर रहा है? हां वीडियो बना रहा है, सही लग रहा है भाई। वही क्या है दिन का तो उनका प्रोग्राम ना, रात ये था। नाश्ता आ गया भाई, आलू के परोठे और चाय, आज सिर्फ आलू परोठे और चाय लेंगे बस, बढ़िया। वही अपना जो भी थोड़े बहुत काम है करते हैं काम, फिर जाएंगे नहा धो के दुकान पे। करनाल भी जाना है वैसे, करनाल का है थोड़ा सा काम, और शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, मैडम भी जाएगी साथ में, तो चलेंगे 2 बजे। चलो भाई 2 बजे, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे चलेंगे। नहा धो के आपका भाई हो गया भाई तैयार, अब जाना है भाई हमें करनाल। मैडम भी हो रही है तैयार, फिर चलते हैं जी करनाल, थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, और भाई थोड़ा बहुत काम है वो काम निपटा के आते हैं, फिर बताऊंगा आपको भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं बताता कहाँ जा रहा हूँ, पर ये बता सकता हूँ हम घूमने जा रहे हैं, हम जाएंगे घूमने। पैरल जूते चलते आओ बेटे, कहाँ आए हम आए हैं टिकट कराने। गाइस स्टेशन पे खड़े हैं भाई, ये देखो छोटी ट्रेन भाई, टिकट कराने आए थे, लग रही लाइन। भाई आप सोच रहे होंगे भाई टिकट कहाँ की करा रहे हैं, भाई मेरी मम्मी गांव जा रहे हैं अपना, भाई हमारा गांव भाई पश्चिम बंगाल है, तो वो बंगाल जा रहे हैं 12 तारीख को, तो मैं टिकट करवाने आया था, अभी लाइन में लग रहे हैं, फॉर्म भर के दिया है, तो कराते हैं टिकट, लाइन लग रही है। कुछ नज़ारा ये है भाई, ये देखो जी नज़ारा हमारा करनाल रेलवे स्टेशन, यह वंदे भारत ट्रेन, इसकी टॉय ट्रेन बना रखी है। ये लग रही लाइन, लो भैया सी आ गए, थोड़ा सा लाली की थाली, ये आ गए भाई लाली की थाली, थोड़ा बहुत खाएंगे। वैसे खाना ठीक रहता, क्या हाल चाल है? ठंड हो रही है थोड़ी सी, शाम हो रही है। क्या है बाबू? राइस मिट्टी है ना?
अपना खाना चल रहा है। आ गया भाई घर, दरवाजा बंद कर दिया। लो भाई कर गए शॉपिंग थोड़ी सी, कपड़े कपड़े ले आई मैडम अपने पजामे पजुमे। और भाई बाजार में भाई नूनू को पकड़ के भाई वीडियो वाडियो नहीं बना पाया जो भी, क्यों भीड़ तो इतनी हो रही बाजार में। क्या क्लिप भी बनाए यार, बच्चे को भी साथ में ले रहा था। रात को परेशान करेगा, रात को अपने घर आके तो करेगा, शेयर नहीं अपने घर में। मिलते हैं जी। ये करेले, ये कहाँ से आए? करेले लग रहे होंगे कहीं, बड़े छोटे छोटे करेले। लो भाई चाय के साथ करेले खा लो। एक करेले का पापा, करेले का मम्मी, करेले के बच्चे। देख बाबू, ये तो पापा है, ये मम्मी है, ये बड़ा बच्चा है इनका। इसका ये मैं हुआ था तेरी मम्मी के लिए तोड़ के ले आई। किसके हैं? अरे देखो ना, देखो मैं देखो बता रही, देखो ये कौन है? ये मेरा पापा, ये मेरी मम्मी है, ठीक है। ये मेरी बड़ी वाली बहन है, ये ना ना, ये तो कौन सी बड़ी बहन, कौन सी है ये? लंबी और पतली, ये बड़ी वाली बहन है। ये सबसे छोटा वाला भाई है, मोटा गद्दड़ सा बड़ा सा, ठीक है। ये मैं हूँ, और ये मेरा बड़े वाला भाई है, चुच्चा सा। सारे सारे मिर्ची कौन है फिर? ये मिर्ची मेरा दादा है। मिर्ची दादा है पूरी फैमिली। और नया मेहमान तो रह गया, कौन? प्रीति। फिर तो आप भी आओगे नए मेहमान में? प्रीति। अरे ये भी तो आएगा। ये अभी भाई ये इस फैमिली का है, उसमें थोड़ी पागल है। हम रोके किसको दिखा रहा था? गंदा बच्चा बनता जा रहा है, बस रो रो के क्या सोच रहे होंगे सारे। हैं अकेला, इसका मतलब जिद करके दिखाएगा हमें, ज़्यादा लाड़ पे चढ़ेगा। हाँ ज़्यादा ही प्यार हो गया ना तेरे से सब सबको, इसलिए इतने नाटक दिखाता है। अब सोचते सारे मेरे नाटकबाजी देख के परेशान हो जाएंगे, फिर अपनी मनमानी करेगा तो अपनी बात मनवाएगा सबसे, है ना। रो के दिखा देगा इतनी तेज तेज, सब समझ में आता है हमें। असर नहीं है ना तेरे ऊपर कोई गुस्सा करने का? असर है ना तो चुपचाप सो जियो, पिटाई शुरू हो जाएगी कल से। हंस के क्यों दिखा रहा है अब? ढीठ बच्चा, समझता ही नहीं। कल से तेरी पिटाई शुरू है अगर तूने नाटक किया तो, समझा? चुपचाप सोने की कोशिश कर, दिन में घुमा के लाए थे ना, अब सोएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ भूख लग रही है तो बता दियो, नहीं तो सो जा आराम से। सोएगा सोएगा नहीं सोएगा बता, हाँ या ना? हाँ ठीक है, अब सोएगा। चलो सो जाओ बाबू, आप ही सोएगा कह रहे हैं। हाँ सोएगा, है ना? सोएगा ना? हाँ ठीक है, चलो। फाइनली गाइस खाना पीना हो गया था भाई, सोने की तैयारी। अब टाइम हो रहा भाई 1 बजने वाला है, और भाई नोनी सो नहीं रहा, पता नहीं भाई इसको क्या हो रहा है, ये रोए जा रहा है भाई। दिन में तो सारा दिन सोता है, रात को भाई तंग करता है। आपके भाई को तो आ रही भाई नींद, वो सुला रहे, उसको कोशिश कर रहे कि भाई सो जाएगा, सो नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, रोए जा रहा है। आज दिन में सो गया हो तो भाई रात को बहुत देर तक जागता है। फिलहाल भाई 1 का टाइम हो रहा है और वो भाई सो ही नहीं रहा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करता करो भाई, भाई का चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा यार। गुड नाइट, जय श्री राम।
लव यू फॉर ऑल, बाय।